20 फरवरी 2022 करंट अफेयर। हाल ही में किस देश में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है? नेपाल। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? संजय श्रोतीय। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदर राजन। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा? मिजोरम। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत कितने शहरों पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है? 10। हाल ही में विदेश मंत्री फरवरी 2022 में किस देश की 6 दिवसीय दौरे पर गए? फ्रांस और जर्मनी। हाल ही में माँ योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों के कौशल को प्रखर बनाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया? आसाम। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? YS जगमोहन रेड्डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दबाव की डिलीवरी के लिए स्काई ईयर साझेदारी की है? हिमाचल प्रदेश। एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम इलेक्ट्रॉनिक ने हाल ही में एक सतत इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? पीमो। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? योहान पूनावाला। किस ई कॉमर्स कंपनी ने ग्रुप सेफगार्ड बीमा एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लॉम्बार्ड के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। भारत में हाल ही में किस स्थान पर पहली बार वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया? मुंबई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किस नाम से एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? संदेश। हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। HCL टेक्नोलॉजीज ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ एक समझौता किया है? IIT कानपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की गई? लद्दाख।